मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, आई निर्मला सीतारामन, आई सुब्रमण्यम जयशंकर, आई हरदीप सिंह पुरी, मैं रामदास अठोले, आई डॉक्टर एल मुरुगन, मैं सतीश चंद्र दुबे, मैं संजय सेठ, आई रवनीत सिंह बिट्टू। मरकज में तीसरी बार एनडीए की हुकूमत बन गई है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 71 गुजरा ने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया, लेकिन इस बार हल्फ लेने वाले मुतअद्दद वजरा ऐसे हैं जो लोकसभा इंतखाबात में हार गए या फिर उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? आईन की रूह से ये सही है या गलत? दस्तूर हिंद में इसकी इजाजत है या नहीं? आज के इस तज्जिए में मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिए। इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नई टीम में 30 काबिनी वजीर, 5 आजाद वजीर ममलिकत और 36 वजराए ममलिकत शामिल हैं। ये तमाम वजरा 24 रियासतों के साथ साथ मुल्क के तमाम खित्तों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना में 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अकलियती वजीर शामिल हैं, जिनमें से 18 सीनियर वजीर भी काबीना में शामिल किए गए हैं। नई काबीना में एनडीए के 11 इत्तेहादियों को वजीर बनाया गया है। उनमें से 43 ऐसे अराकीन पार्लियमान वजीर बन चुके हैं जिन्होंने 3 या उससे ज्यादा मुद्दत तक पार्लियमान में खिदमात अंजाम दी। ऐसे 39 वजीर बनाए गए हैं जो पहले ही हुकूमत हिंद में वजीर रह चुके हैं। कई साबिक वजराए आला 34 रियासती असेंबलियों में खिदमात अंजाम देने वाले अरकान और 23 रियासतों में वजीर के तौर पर काम करने वाले अरकान को भी रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद काबीना में जगह दी गई है। नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज के तज्जिए में हम ये जानेंगे और समझेंगे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नई काबीना में 10 ऐसे वजरा ने ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया है जो रुकने पार्लियमान है ही नहीं, यानी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन हार गए, या फिर इंतखाबात में हिस्सा लिया ही नहीं लेकिन वो मोदी 3.0 में वजीर है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं इस बार मोदी काबीना में कौन कौन से ऐसे वजरा हैं जो मेंबर पार्लियामेंट नहीं होने के बावजूद भी डायरेक्ट वजीर बन गए हैं और उन्हें कौन सा कलमदान सौंपा गया है। पहले नंबर पर डॉक्टर एस जे शंकर हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और उन्हें वजारत खारजा का कलमदान ऑफर किया गया। डॉक्टर एस जे शंकर 2 बार गुजरात से राज्यसभा के रुकन रह चुके हैं। उन्हें 31 मई 2019 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत वाली साबिका हुकूमत में वजीर खारजा बनाया गया था। दूसरे नंबर पर निर्मला सीतारमन हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और उन्हें वजारत खजाना का कलमदान ऑफर किया गया। वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 2 बार राज्यसभा के लिए मुंतखब हुई थी। तीसरे नंबर पर जेपी नड्डा हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मोदी हुकूमत की पिछली काबीना में नड्डा बीजेपी के सदर थे। नड्डा ने 9 नवंबर 2014 से 30 मई 2019 तक नरेंद्र मोदी की पहली मियाद में मरकजी वजीर सेहत के तौर पर खिदमात अंजाम दी। चौथे नंबर पर रामदास अठावले हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर और राज्यसभा के रुकन थे। अठावले पिछली हुकूमत में सामाजिक इंसाफ और बाइख्तियार बनाने के मरकजी वजीर थे। उन्होंने अपनी पार्टी से इस बार लोकसभा इंतखाबात के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। पांचवी नंबर पर हरदीप सिंह पुरी हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। पुरी मोदी की कयादत वाली हुकूमत में हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर थे। पूरी राज्यसभा के रुकन हैं। सन 1974 बैच के आईएफएस ऑफिसर पूरी ने जनवरी 2014 में बीजेपी में शामिल होने से पहले 2009 से 2013 तक अक्वाय मुत्तहिदा में इंडिया के मुस्तकिल नुमाइंदे के तौर पर खिदमात अंजाम दी। छठे नंबर पर जॉर्ज कुरेन हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। जॉर्ज कुरेन केरला में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए सियासत में कदम रखा।
वजीर बनने के लिए कुरैन को राज्यसभा का रुकन मुंतखब करना होगा। सातवें नंबर पर सतीश दुबे हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। दुबे ने 2014 से 2019 तक लोकसभा में वाल्मीकि नगर सीट की नुमाइंदगी की है। आठवें नंबर पर संजय सेठ है जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। वो रांची के एक ताजी हैं, सेठ राज्यसभा के रुकन हैं और उन्होंने इतवार को वजीर के तौर पर हल्फ लिया। उन्होंने अपना सियासी सफर सन 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तालिबे इल्म रहनुमा के तौर पर शुरू किया और 2019 में रुकने पार्लियामान मुंतखब हुए। नवीं नंबर पर रामनाथ ठाकुर हैं जो दो बार जेडीयू के राज्यसभा मेंबर रहे। वो बिहार के सादिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। दसवीं नंबर पर बीएल वर्मा हैं जिन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और राज्यसभा के रुकन हैं। वर्मा मोदी की कयादत वाली पिछली हुकूमत में शुमाल मशरिकी खित्ता में तरक्याती उमूर के मरकजी वजीर थे। आपने अब तक ये तो जान ही लिया होगा कि वजीर आजम मोदी की इस काबीना में दो ऐसे वजरा को उहदे का हल्फ दिलाया गया है जिनकी इस लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मोदी काबीना में मरकजी वजीर के तौर पर उहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया गया। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन से सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी मरकजी वजीर के तौर पर ओहदे का हल्फ लिया। बीजेपी के रहनुमा रवनीत सिंह बिट्टू को इस साल इंतखाबात में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने तकरीबन 21,000 वोटों से हरा दिया। तीन मराहिल में कांग्रेस के रुकने पार्लियामान रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू पहली बार 2009 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा इंतखाबात में कामयाब हुए थे। उसके बाद 2014 और 2019 में लुधियाना सीट से जीते हैं, लेकिन हाल ही में हुए लोकसभा इंतखाबात यानी 2024 वाले इस इंतखाबात से कुछ दिन पहले ही बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इंतखाबात में पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से वो हार गए। बिट्टू ने पांच शहरी हलकों में सबकत हासिल की, लेकिन बीजेपी के खिलाफ किसानों की मुखालिफत की वजह से दही इलाकों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैर, शिकस्त के बाद भी बिट्टू को मोदी काबीना में वजीर का ओहदा दिया गया। उसके अलावा दूसरे सियासतदान तमिलनाडु की नीलगिरी लोकसभा हल्के से आने वाले एल मुरुगन है जिन्होंने दर्द फेरिस्त के लिए रिजर्व लोकसभा हलके से इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन डीएमके के रहनुमा और साबिक वजीर डी राजा से करीब 2,40,585 वोटों से हार गए। लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी मुरुगन मोदी काबीना 3.0 में भी शामिल हो गए हैं। साल 2019 की मोदी काबीना में मुरुगन रियासती वजीर रहे हैं। उस वक्त उन्होंने हैवानात डेयरी और इत्तलात नशरियात के रियासती वजीर के तौर पर जिम्मेदारी निभाई थी। मुरुगन भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के रियासती सदर भी रहे हैं। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो आरएसएस से मुंसलिक रहे हैं। वो साल 2017 से 2020 तक दर्ज फेरिस्त की मरकजी यूनिट के नायब सदर भी रहे हैं। ये दोनों सीटें उन रियासतों से आती है जहां बीजेपी को इस बार के इंतखाबात में एक भी सीट नहीं मिली, ना तो पंजाब ना ही तमिलनाडु में। लेकिन शिकस्त के बाद भी बीजेपी ने दोनों ही रियासतों से एक एक रहनुमा को काबीना में शामिल किया है। आइए और भारतीय आईन और दस्तूर के मुताबिक ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी सियासी रहनुमा को इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी मरकज में वजीर कैसे बना दिया जाता है। देखिए, इस सिलसिले में भारतीय कानून की दफा 74 में कुछ उसूलो जवाबित वजह किए गए हैं। ये उसूल कुछ इस तरह है कि हुकूमत में वज़रा की तश्कील वजीर आजम का खुसूसी इख्तियार होता है। दफा 74 के मुताबिक सदर के मशवरे और ताउन के लिए वजीर आजम की क़यादत में वज़रा की एक काउंसिल होती है जो अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए वज़रा काउंसिल के मशवरे से अपना काम अंजाम देते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर वजीर आजम चाहें तो कुछ जरूरी कंडीशन को पूरा करने वाले किसी भी शख्स को वजीर बना सकते हैं। ऐसे में जरूरी नहीं होता है कि जिसे वजीर बनाया जा रहा हो लोकसभा इंतखाबात में कामयाब हुए हो या उन्हें शिकस्त मिली हो, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी आती है। शर्त यह है कि अगर किसी भी ऐसे शख्स को वजीर काउंसिल में वजीर बनाया जाता है तो उन्हें हल्फ लेने के 6 माह के अंदर किसी भी ऐवान की रुकनियत लेना लाजमी होता है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो उस वजीर को 6 माह के अंदर अपने ओहदे से इस्तीफा देना होता है। इसे जरा और आसान अंदाज में साफ साफ समझ लीजिए, किसी भी ऐसे रहनुमा जिन्हें लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त हुई हो या उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया हो, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामान की रुकनियत दिलाई गई हो तो वजीर के ओहदे पर फाइज रह सकते हैं। अब इसके भी दो रास्ते हैं, या तो किसी लोकसभा सीट पर बाईपोल हो या उन्हें राज्यसभा के रुकने पार्लियामान के तौर पर ऐवान की रुकनियत दिलाई जाए। ये भी समझ लीजिए कि मुल्क में ऐसा होता रहा है। दरअसल हमारे मुल्क में पार्लियामान लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। अगर वजीर ने लोकसभा के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया है या हिस्सा लिया है और उनकी शिकस्त हो गई है, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं तो वजीर बने रह सकते हैं, उनका लोकसभा मेंबर होना जरूरी नहीं है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे कई उजरा काबीना में रहे हैं जो लोकसभा से नहीं बल्कि राज्यसभा से रुकने पार्लियामान रहे हैं। इस तरीके से एक और बात साफ साफ समझिए कि काबिनी वजीर बनने के लिए लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेना जरूरी नहीं है। यही वजह है कि इस बार के मोदी कैबिनेट में उन 10 रहनुमाओं का नाम मैंने आपको गिनवाया और उनकी मुख्तसर प्रोफाइलिंग भी पेश की जो बगैर लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिए ही राज्यसभा के रास्ते मोदी की काबिना में मरकजी वजीर बन गए हैं। मुझे यकीन है कि काफी हद तक ये गुत्थी आपके लिए सुलझ गई होगी। इसी तरह बगैर लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिए या लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी राज्यसभा के जरिए कोई भी रहनुमा रुकने पार्लियामान बनने से पहले ही काबीना का मेंबर बन सकता है। नाजरीन, इस पूरे तजिए पर मेरी जाती राय यह है कि आईन और दस्तूर के मुताबिक जमहूरी दायरे में जो कुछ होता है उसमें कोई हर्ज नहीं। ओहदे, मनसब और कलमदान का मिलना भी कोई खास बात नहीं है। असल यह है कि जो जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है और बुनियादी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे जिन्हें अवाम बाइख्तियार बनाती है, उन्हें किस जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हुए सबों के साथ इंसाफ, बराबरी और गैर इम्तियाजी सलूक का मुजाहरा करना चाहिए और जमहूरियत की बका की फिक्र में हमातन गोश रहना चाहिए ताकि मुल्क का निज़ाम इत्मीनान और सुकून की फिजा में चल सके और हर शहरी खुद को महफूज और मामून मुतमईन महसूस कर सके। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और इस पेशकश में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भाइयों का भी भला हो जाए। अगर अब तक आपने फिक्र नजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।